गाइज आप सभी का वेलकम मेरे चैनल साथी बनेंगे आप व्लॉग्स में। अब व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और सात्विक जा रहा है फूफू के साथ स्कूल। मेरी फूफू से कह रहा है कि आप पहुंचाओ मुझे स्कूल और मेरे साथ में है टोटो, मैं टोटो को घुमा के ले जाती हूँ। साथी मम्मा बाय, आप पढ़ाई करना है, बहुत अच्छा लिखना, फर्स्ट आना। मम्मा डोडो को पॉटी करने जाते हो, आज जाओ जाओ ना खुजी तो जाओ ना। यहाँ पे पॉटी बहुत आता था, वहां पे पॉटी ना लोगों के घर में कर देता ना डोडो, फिर वो लोग ढांड रहे थे। ओके बाय दी बाय। सात्विक जा रहा है अपनी फूफू के साथ स्कूल और लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है कि मैं भी आऊं उसके साथ। सात्विक चला गया अपने फूफू के साथ और मैं नहीं गई क्योंकि टोटो को भी घुमाने ले जाना था, तो मैं टोटो को गोठी तक घुमा के ले आती हूँ नीचे तक सजाया हुआ। तो सात्विक बहुत खुश हो रहा है, सात्विक है। ये है निंगल पानी गाँव, वो रहा एनएसपीसी, फिर तो उससे थोड़ा आगे गलाती। तो आप लोगों को कि यहाँ से नेपाल कैसा लगता है। के साथ और अभी इस टाइम पे यहाँ से हल्द्वानी पिथौरागढ़ के लिए टैक्सियाँ निकलनी शुरू हो जाती है, तो अभी हल्द्वानी की टैक्सियाँ निकल रही हैं। नहीं तो फिर भी दिन भर जाते रहती है शाम तक भी, लेकिन हल्द्वानी की टैक्सियाँ जो है वो सुबह सुबह निकलती हैं और देहरादून वाली तो रात के 3-4 बजे निकल जाती है यहाँ से। तो ये आर्मी वाले भी निकले हैं जॉगिंग में, वो भी जॉगिंग से वापस जा रहे हैं, नीचे उनका कैंप है। और वो देखो कंपनी वाले भी काम पे लग गए हैं, गाड़ियों में पत्थर भर के वो भी ले जा रहे हैं जहाँ काम चल रहा होगा। पुनी आ गई है सात्विक को पहुँचा के और पुनी जा रही है अब घूमने, जा रही है घूमने, कह रही है पुल तक जाके आती हूँ। तो मैं तो चले जाती हूँ घर, ठंडा भी बहुत हो रहा है। पुनी ने तो जूते भी पहने, ठीक है मॉर्निंग आप घूमने के लिए, मुझे तो जूते पहनने पसंद नहीं है बिल्कुल भी। शन यहाँ पे रुकी होती है सारी गाड़ियाँ, मतलब प्राइवेट जिनकी भी है, टैक्सी वाली गाड़ियाँ भी रुकी होती हैं जो निगाल पाने वालों की है। अब पुनी भी पहुँच गई है घर और पुनी मोबाइल में देख रही है योगा क्योंकि उनके गर्दन में दर्द हो रहा है। अब वो करेंगी नहीं करेंगी ये तो उनकी मर्जी। तो आ गई मैं इस किचन में और इसकी जगह मैंने डब्बे में डाल दी है चीनी और स्टोर हो रहा है, देखते हैं कितना होता है। ये देखो अनिल तैयार हो गया है जीतू की शादी में जाने के लिए। पर मुझे पोला पसंद नहीं आया। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ धूप में, धूप आई है यहाँ 10 बजे स्टूडियो में और ठंडा बहुत हो रहा है। ज़्यादा ऊपर बैठ के खा रही है फैन और अब थोड़ी देर में निकलेगी जीतू की शादी भी बारात कारगांव की तरफ और मैं भी निकलती हूँ बाजार की तरफ। थोड़ी देर में नहाना है और पानी को देख के डर लग रहा है। मैं भी हो गई हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ, पहले सात्विक के स्कूल। तो मुड़ने दो, मुड़ेगी तब तो बैठेंगे। और जाए दार चूल्हा और सात्विक को मैं जा रहे बाल कटाने और सात्विक के नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। जल्दी चलो अभी लेंगे पहले बाल काट के आते, चलो भी रह गए। शैतानी बरकरार,
सैतानियाँ शुरू और यहाँ हो गई है सर्वे शुरू कि दुकान में क्या क्या है और क्या क्या लेना है, सब चीज़ देख रहे हैं जनाब। उसके बाद लेंगे कुछ, अभी बताएंगे मुझे थोड़ी देर में। तीन साल जेल का करके आया है, अब तक दो मेरी बाबा पड़ गई है। हाँ हाँ, बाल काटने के लिए ना, बालों में डालने के लिए। तो सात्विक के बाल काट गए हैं और मैं सीढ़ी में बिठा के उसको गाड़ियां ढूंढ रही हूँ, थोड़ी देर में गाड़ी मिल जाएगी। तो आ गए अशोक भैया की बाइक में, दास बाइक में बैठे कह रहा बहुत मिल रहा है। तो भैया चले गए हमें छोड़ के सात दिन पर, अशोक भैया की कृपा से हम उनके साथ बाइक में आए और जितू लोगों की शादी में निकल के हम लोग को कलाती में मिली और साथी में मुझे पीछे से खींच रहा है कि उसको भू करके जाना है। ये है मेरा सोना बेटा। पता किसकी बाइक में आया? लोगों बाइक में। लोगों के बाइक में? अच्छा लोगों के बाइक में नहीं आते ना, किडनैप कर देते हैं। तेरी मम्मी किडनैप में कोई बात नहीं, तू किडनैप हो जाता है। हमारा ससमोर चिराग है बोला। तो खानदान का बारिश है तू, ठीक है? थैंक यू मेरी बात तू है। क्या है, घर पहुंच के अब साथियों को नहलाती हूँ क्योंकि हेयर कटिंग करके आए हैं और साथी तो चली गई है, बारात वापसी शाम तक आएगी क्योंकि वनडे की शादी है। तो मेरा बेटा नहा धो के हीरो बन गया है और हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और खाना खाने बाद ये पूनी लोग छान रहे प्याज, प्याज का जो कट्ठा लाए थे उसमें क्योंकि सड़े हुए भी निकलेंगे। मैं इसका बनाना मिना का इसका आपका किनारा भी निकालती हूँ और धूप में भी बैठे बाहर वाला और इसका किनारा निकाल रहे हैं हम चारों तरफ से, फिर बनेगा स्कार्फ। चारों तरफ से जालर निकाल दिए तो बन गया हमारा स्कार्फ, बन गया हमारा स्कार्फ। तो स्कार्फ बनने के बाद हमारे यहाँ ऐसे उड़ते हैं ऐसे और इसके किनारे निकाल दिए हैं तो बन के तैयार हो गया। मम्मी ने छाना था ये, मेरी मामी ने ये छाना था प्याज क्यारी में और इसको बो देती हूँ किनारे किनारे क्योंकि इसमें वो भी आ गए रंजी। मैं खेत में और मैं प्याज बोने के लिए खेत खोदना शुरू कर दिया है, मैंने ग्लव्स भी पहने क्योंकि हाथ बहुत फट रहे मिट्टी से। तो मैं अब प्याज बो देती हूँ ताकि उसे बाद में पानी डाल देंगे तो इसके प्याज की जो हरी पत्तियाँ वो खाने के काम आ जाएगी। प्याज बो के ख़त्म करते हैं तो अब ये मिट्टी और खाद को मैं मिला रही हूँ क्योंकि ऊपर जो मेरे गमले हैं ना उनमें मिट्टियाँ बहुत कम हो रही हैं तो इनको अच्छे से मिला के इनके डल्ले फोड़ के उस गमले में डालूँगी मैं ताकि वो फूल मेरे और अच्छे से हो और जड़ भी सब बाहर निकल लिए तो फिर अच्छे से हो जाएगा। अब धूप घाटी में तो जा चुकी है लेकिन पहाड़ों में अभी भी बाकी है और अभी टाइम हो रहे हैं 4:30 तो अभी धूप डलने में टाइम है पहाड़ों में। मैं मिट्टी को उठा के ले जा रही हूँ अब ऊपर
गमलों के पास जो मेरे ऊपर हैंगर में लटके हुए हैं, तो वहाँ मैं डालूँगी उसको। मैं बोतल उठाना चाह रही थी पर अभी रहन दो, बाद में ही उठाऊँगी। पर खेत से यहाँ तक चल के आने में मेरे सांस फूल रहे हैं, क्योंकि मुझे ना चलने का आदत नहीं है, या फिर मैं चल ही नहीं पाती हूँ, ज़्यादा मोटी हो गई हूँ तो मेरे सांस से लगने लग जाती है, मेरी सांस ऊपर नीचे चढ़ने लग जाती है। अब मैं गमले में डाल लूँ मिट्टियाँ, सारे गमले भर दूँगी मैं मिट्टियों से। गमलों में मिट्टी डालने के बाद मैं सारे गमलों में पानी डालूँगी, जो गमले मेरे नीचे हैं उनमें भी मुझे पानी डालना है। पाइप तो हमारा कहीं गया है, तो मैं बाल्टी में पानी भर के इन गमलों में और नीचे वाले गमलों में पानी डालूँगी, क्योंकि बहुत दिन से गमलों में पानी भी नहीं दिया है, तो मुझे लग रहा है ना कि पत्तियाँ सूख रही हैं और सूखने जैसा ही हो रहा है। तो इसमें मैंने खाद मिला के अभी मिट्टी डाल ली, तो इनसे इनको बहुत अच्छा लगेगा। घर में क्या कहते हैं, नाली से बुलाया मुझे, चाय पीने के लिए। चित्रू की शादी से आ रही है मौसी सपनों करके, और ये लेके आई है सपनों के आइटम। हमारा है वो, हमारा क्या दिया है, को बंद करने का टाइम शाम हो गई है, और ये लाइटिंग लगनी शुरू हो गई है, बारात अभी आई नहीं है। और ये है मेरी मुर्गियाँ गोरी और काली, ये बाहर निकल गए हैं। चलो 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 चलो, देखो कैसे बाग बाग के जा रही है, उनको भी तो अंदर जाना है। चलो उसकी मम्मी का फेवरेट शो चल रहा है क्रैम पेट्रोल, और साथ ही बेटा आप गिरने वाले थे, देखो साथ में अच्छे से चलते देख के चलता नहीं, चढ़ नहीं पा रहा है ना, अभी गिरने वाला था बच गया। खा लिया हम लोगों ने और बर्तन भी हो गए, हाथ बहुत ठंडे हैं, और हम लोग जा रहे हैं जित्तू की साथी में, साथी आ गया है और साथी से छुपते हुए जा रहे हैं, तो ज्यादा धीरे से बोल रहे हैं। तो क्या करूं, इधर दूल्हे इधर देख। तो दूल्हा दुल्हन पहुंच चुके हैं और वहां हो रही है मालाओं की पहनवाई, कि रुपए की माला पहनाते हैं हमारे यहाँ और शिला देते हैं, तो वही हो रहा है। तो सब लोग आगे से खड़े हो गए भीड़ देखने लिए, तो जो हम राधा लंबी है तो राधा हाथ ऊपर करके वीडियो बना रही है, और जित्तू आखिरकार दूल्हा बन ही गया और जित्तू की दुल्हन भी आ गई है, तो जित्तू को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो अब हो रही है दूल्हा दुल्हन की आरती, सब लोग खड़े हैं, उनके रिश्तेदार फोटोग्राफर और हम लोग भी पीछे से खड़े हैं वीडियो बनाने के लिए। और आरती हो चुकी है, तो उसके बाद जो उनकी आरती होगी उसकी मम्मी करेंगी शायद, फिर सभी लोग जितने भी रिश्तेदार हैं वो सारे लोग उसको रुपये का माला पहनाएंगे और एक एक शिला भी देंगे। दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए लोगों की बहुत भीड़ हो रखी है, और फोटोग्राफर सभी लोग, हर कोई वीडियो बनाने में लगा हुआ है, और सब लोग फोटो भी खींचने में लगे हैं। फोटोग्राफर तो खींच ही रहा है, बाकी मोबाइल वाले भी सब खड़े हैं मोबाइल पकड़ के फोटो कैप्चर करने के लिए। तो हम लोग पहुँच गए हैं और सोनाल लोग भी पहुँच गए, हम लोगों ने बहुत वीडियो बनाया, और राधा का डांस ना अंदर उमड़ रहा है, पर कोई खींच नहीं रहा उसे डांस करने का, डांस छूटा जा रहा है। मैं आईकॉन पे एगो टूट रही हूँ और चंगरी को दो ही थे मेरे देवर। पुनी ने हमसे कहा कि नाच के ही आ। गुड नाइट।
हम दोनों भी आ गए हैं घर। राधा का बहुत मूड खराब हो रखा है क्योंकि उसको डांस करने को नहीं मिला। उसका डांस तो बाय साथी, बाय, गुड नाइट। इधर देखो, ओके। तो हम आ गए साथी से और साथी भी कर रहा है होमवर्क। अपनी फूफो को बोला था कि कल होमवर्क, कल स्कूल जाना है, होमवर्क नहीं किया है। अब सात्विक को भी इतनी चिंता होने लगी है अपनी, पर स्कूल से आज कोई होमवर्क ही नहीं मिला है तो फिर भी वो होमवर्क ढूंढने में लगा ही हुआ है। और हम लोग गए थे जित्तू की शादी देखने और शादी से हम लोग आ गए सभी लोग क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी आगे की तरफ, कुछ तो देख नहीं पा रहे थे जो भी प्रोग्राम चल रहा था। तो सोनाल लोग भी आए थे, वो लोग भी चले गए और मैं और राधा भी आ गए। हम लोगों ने तो खाना खा लिया था, अनिल अभी खाना खा रहा है। इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं और अपने अगले ब्लॉग में मिलेंगे। इसका ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगे तो मेरे चैनल साथी बनेंगे आप ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। अपने सभी दोस्तों में जरूर जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय।